खुद को राष्ट्रवादी संगठन बताने वाले विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर अक्सर हिंसा करने के आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष ने भी कई बार आरोप लगाया है कि गौरक्षकों का फर्जी चोला ओढ़कर इस संगठन ने दूसरे समुदाय को अपने निशाने पर लिया। इन आरोपों पर अब अमेरिका ने भी मोहर लगाई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इन दोनों को धार्मिक उग्रवादी संगठन करार दिया है। इसके साथ ही उसने RSS को राष्ट्रवादी संगठन बताया है। भगवा झंडे की आड़ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हिंसक उत्पात मचाते हैं। अब तक विपक्ष आरोप लगाता रहा था, लेकिन ये संगठन खुद को राष्ट्रवादी और हिंदुत्व का संरक्षक बताकर इन आरोपों को नकारते आए हैं। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी मानना है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल धार्मिक उग्रवादी संगठन है। धर्म के नाम पर ये हंगामा मचाते हैं, भगवा की आड़ में हिंसा करते हैं। दरअसल सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी हर साल वर्ल्ड फैक्ट बुक जारी करती है। इसमें दुनिया के 267 देशों, क्षेत्रों के इतिहास, लोगों, सरकार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, भूगोल, संचार, यातायात, सेना और कई अन्य मसलों पर जानकारी दी जाती है। इसी बुक में विहिप और बजरंग दल को धार्मिक उग्रवादी संगठन बताया गया है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्रवादी संगठन करार दिया गया है। सूत्रों की माने तो उग्रवादी संगठन करार दिए जाने से दोनों ही संगठन नाखुश है। बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि कोई खुफिया एजेंसी हमारे संगठन कैसे घोषित कर सकती है, किसने उन्हें अधिकार दिया है। हमारी विदेशों में भी शाखाएं हैं और हमने कभी भी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई। हम राष्ट्रवादी हैं और हम देखेंगे कि इस मसले पर क्या किया जा सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।